नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खटाई डालने पर दूध फट क्यों जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड किया हूँ चैनल पे कि दूध उफनता क्यों है, उसमें भी हमने दूध के बारे में जाना था। आप लोग वह वीडियो भी देख सकते हैं, उसकी लिंक आई कार्ड में दी हुई है। चलिए आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। दूध जल वसा कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक लवण केसिन और लैक्टिक अम्ल जैसे अनेक प्रकार के रसायनों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा खटाई में सिट्रिक अम्ल होता है। जब इसे दूध में मिलाया जाता है तो दूध में मौजूद लैक्टिक अम्ल की जो मात्रा है यह बढ़ जाती है, जिसके कारण दूध फट जाता है। वसा तथा केसिन आपस में मिलकर थक्का बना लेते हैं। इसी घटना को हम दूध का फटना कहते हैं। दूध जो है यह अलग अलग सामग्रियों के मिलने से बनता है। सबसे मुख्य चीज जो दूध में होती है यह होती है प्रोटीन और फैट। यह प्रोटीन दूध के ऊपर तैरता है। दोस्तों अभी हमने जाना दूध में प्रोटीन और फैट मौजूद होता है। यदि हम बात करें दूध की तो दूध को जब गर्म करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दूध को जब हम गर्म करते हैं तो प्रोटीन और फैट जो है यह एक लेयर बना लेते हैं। यह परत जो है यह दो तरह की चीज़ों से बनी हुई होती है। एक को हम कोलाइड कहते हैं जो दूध में समान रूप में मौजूद रहता है और दूसरा डिस्परिंग मीडियम होता है। पनीर बनाते वक्त हम दूध में नींबू का रस साइट्रिक एसिड या विनेगर मिलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि दूध को खटाई के अलावा भी बाकी चीज़ों से फाड़ा जा सकता है, जैसे नींबू, क्योंकि इसमें भी साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक अम्ल से दूध को फाड़ा जाता है। दोस्तों जितनी भी अधिकतर खट्टी चीजें होती हैं उनमें साइट्रिक अम्ल मौजूद होता है और साइट्रिक अम्ल जो है यह दूध को फाड़ने के लिए मददगार साबित होता है। अब जब दूध फट जाता है तो प्रोटीन पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और जब दूध एसिडिक हो जाता है तब वह तैर नहीं पाता है। दूध फटने के बाद एक साथ तैरने लगता है क्योंकि एसिडिक हो जाने के बाद उन्हें सतह का संपर्क कम मिलता है। यही दूध फटने का सही तरीका है। दूध फटने के बाद पनीर छान लेने के बाद जो पानी निकलता है उसे ना फेंके, क्योंकि उनका प्रयोग दूसरे व्यंजन में भी हो सकता है। पानी पौष्टिक होता है। दूध का जो पनीर बन जाता है उसका जो बच जाता है पानी यह पौष्टिक होता है। इससे हम लोग बाकी चीजें भी बना सकते हैं। दूध से पनीर बनाने के बाद जो पानी है इसको हम लोग सब्जियों में भी प्रयोग ला सकते हैं। तो यहाँ तो हमने पहले सबसे पहले जाना कि दूध फटता कैसे है और खटाई से इसको फाड़ा कैसे जाता है। साथ ही साथ खटाई के अलावा भी हम बाकी चीजों से फाड़ सकते हैं, जैसे नींबू का रस, साथ ही साथ जो भी चीज में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा उससे दूध को हम फाड़ सकते हैं। और दूध क्यों फटता है इसके बारे में भी हमने आज जाना। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारी आज की वीडियो Facebook और Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर कीजिए। लास्ट तक वीडियो से बने रहने के लिए अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।